अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चिल बटेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज आपको इंटरनेशनल ऐसे कंपटीशन के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसका इनाम क्या है। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरनेशनल एसे कॉन्टेस्ट फाउंडेशन, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिग्री पीस फाउंडेशन, एंडोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कल्चर स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जापान। तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। मजीद आपको इसके बारे में आगे जाकर बताता हूँ। स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अच्छा आगे है अवार्ड सेरेमनी। इट विल बी टेकिंग प्लेस ऑनलाइन। अवार्ड सेरेमनी ऑनलाइन ही की जाएगी। आगे है इसके बेनिफिट्स की तरफ आते हैं। तो इसके बेनिफिट्स में सबसे पहले तो है $900 फर्स्ट विनर को दिए जाएंगे, सेकंड को 450 दिए जाएंगे, 5 एंट्रेंट्स एज थर्ड विनर, थर्ड विनर को 5 एंट्रेंट्स दिए जाएंगे, 25 पार्टिसिपेंट्स विल बी ऑनरेबली मेंशनड। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। आते हैं हम अब स्क्रॉल डाउन करता हूँ। पूरी दुनिया से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से, अमेरिका से, किसी भी मुल्क से, इंडिया से, सब अप्लाई कर सकते हैं। 14 से लेकर 25 साल की उम्र तक के लोग हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो वर्ड्स हैं वो मैक्सिमम 700 वर्ड्स के होने चाहिए अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं। अगर आप फ्रेंच में लिख रहे हैं या जापानीज में लिख रहे हैं तो उसके लिए आपके में 1600 से ज़्यादा वर्ड ना हो। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है? अच्छा ये आपने PDF फॉर्मेट या वर्ड की फाइल में सबमिट करना है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट ना हो। और कैंडिडेट्स का जो है वो आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सबमिट करनी है। ईमेल या पोस्ट से आपने सबमिट नहीं करनी। जो तरीका मैं बताऊँगा उसी तरह आपने सबमिट करनी है। जो टीचर है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, वो कलेक्टिवली अपने स्टूडेंट्स के ऐसे सबमिट कर सकता है, लेकिन एक बंदा एक ही ऐसे लिखेगा। वन कैंडिडेट कैन सबमिट ओनली वन ऐसे। इसकी लास्ट डेट है 15 जून 2021 अप्लाई करने की। तो चलते हैं हम अपनी साइट की तरफ जहाँ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये साइट है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो भी मैंने फाइल आपको दिखाई है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप खुद भी इधर से रीड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इस लिंक से क्लिक करके भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ। नीचे वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ऑर्गेनाइज्ड बाय, एंडोर्स्ड बाय, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अगर रीड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा
मायोनेस से अगर आपने सबमिट करना है अपना ऐसे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का करना है तो मैं उसका आपको बाद में बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, यहाँ पे आपकी डेट आ रही है, मतलब आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आज की डेट है मतलब 22 तारीख, तो यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट नेम लिखूंगा, आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लेकिन मैं चैनल नेम लिख रहा हूँ, क्योंकि तो मैंने सिर्फ आपको फॉर्म फिल करके बताना है, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो चिल्ड्रन और यूथ, चिल्ड्रन कौन है, 14 से लेकर 17 तक जिनकी एज है वो चिल्ड्रन सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यूथ सेलेक्ट करेंगे, जैसे 18 से 25 तक के लोग, एज आपकी 15 जून तक काउंट की जाएगी, मतलब आपकी एज 25 हो रही है तो 15 जून तक हो जाए 15 के। अच्छा, यहाँ पे आपने अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन नेम ये ऑप्शनल है, ये मैं नहीं लिख रहा, या बल्कि लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यूनिवर्सिटी नेम। स्ट्रीट एड्रेस आप देना चाहें तो अपना स्ट्रीट एड्रेस दे लें, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना सिटी नेम लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना बता रहा हूँ। सिटी, स्टेट, जिप कोड वगैरह जो आम चीजें होती हैं वो आप यहाँ पुट करेंगे, फिर अगेन कंट्री सेलेक्ट करना है, पहले भी कर चुके हैं, ईमेल सेलेक्ट करना है, एक ईमेल एक टाइम रजिस्टर करने के लिए काफी है, दोबारा उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो नहीं होगी, वेरीफाइंग ईमेल मतलब दोबारा ईमेल एंटर करें, यहाँ पासवर्ड एंटर करें, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो सजेस्ट कर रहे हैं, इस पे मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू सिक्योर योर अकाउंट्स के नेम से, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। शो पासवर्ड करना चाहते हैं यहाँ क्लिक करें, मैं नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूँगा। टेलीफोन नंबर आप यहाँ देख सकते हैं अपना, ये भी ऑप्शनल है बल्कि ये मैंडेटरी है, जिसके साथ रेड स्टार दिक्कत है वो मैंडेटरी और फील्ड्स होती हैं, रेड स्ट्राइक नहीं होता वो ऑप्शनल होते हैं। तो यहाँ से आप ट्रैफिक लाइट सेट करेंगे, आपके पास कोई और ऑप्शन भी आ सकता है, मेरे पास ट्रैफिक का है, इसके साथ हम बताते हैं कि हम रोबोट नहीं हैं, तो मैं सेव कर रहा हूँ, ये मेरा नंबर है एंट्रेंस नंबर, तो मेरा नाम आ गया है ये अच्छा बीटेक, तो हम ऑलरेडी ही अकाउंट डैशबोर्ड पे हैं। पर्सनल अकाउंट को एडिट करने के लिए हम ये यूज करेंगे। अच्छा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं यहाँ से करें, तो ऐसे चेंज करना चाहते हैं मतलब सबमिट करना है तो आप ऐसे रजिस्टर ऐसे पे क्लिक करके करेंगे, यहाँ पे आपने ऐसे का टाइटल देना है, जैसे व्हाट इज लाइफ, लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है, और वर्ड काउंट, वर्ड काउंट का मैंने आपको कहा था मैं बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा, मैक्सिमम हमारे 700 वर्ड्स होने चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमने जो अपना नाम लिखना है और ऐसे का जो टाइटल देना है वर्ड की फाइल में या पीडीएफ फाइल में, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा अगर वो वर्ड्स काउंट नहीं होंगे, उसके अलावा आपके 700, मैक्सिमम 700 वर्ड्स होने चाहिए, 700 से ज्यादा ना हो कम हो जाए बेशक, मेरा पास फाइल नहीं है, मैंने नहीं बनाई हुई तो मैं मेरी ये सबमिट नहीं होगी, आप इसको क्लिक करके सबमिट कर देंगे जब आप ऐसे लिख लेंगे। जब सबमिट हो जाएगी उसके बाद आप माई ऐसे पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डाटा शो होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऐसे टाइटल, लैंग्वेज मतलब किस लैंग्वेज में लिखा है, वर्ड काउंट, एक्शन, अगर आपने सर्टिफिकेट आपका जाए तो आप
डाउनलोड सर्टिफिकेट क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अकाउंट डिलीट करना होता है यहाँ क्लिक करके डिलीट करना है डिलीट अकाउंट पे। अब स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने अकाउंट बनाना है तो आप इधर क्लिक करेंगे, सेम ही फॉर्म है ऑलमोस्ट, बस कुछ चंद एक चीज़ें चेंज हैं। इधर आपने नाम लिखना है, मैं वही फॉर्म जो पहले फिल किया है एज इट इज फिल कर दिया मैंने, तो मेरा ये रजिस्टर नहीं होगा क्योंकि तो ये मैं ईमेल ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो मेरा रजिस्टर नहीं होगा। बस आपको बताना था आपने इस तरीके से इसको सबमिट करना। ईमेल नहीं लिखी, अब मैं लिखूंगा तब भी एरर आएगा हमारे पास क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये ईमेल यूज कर ली हुई है। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपने फॉर्म फिल करवाना हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप या ईमेल पे मुझसे पूछ सकते हैं।